हमारे YouTube चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी रोचक जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोचक जानकारियों का आनंद उठाते रहिए। आज हम बात करेंगे द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा केदारनाथ धाम की। जानेंगे कि ये मंदिर कहाँ बसा हुआ है, मंदिर की बनावट कैसी है और केदारनाथ धाम की महिमा क्या है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतु बंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घुष्मेशम च शिवालये। 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल बाबा केदारनाथ का मंदिर उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में बसा हुआ है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण ये मंदिर अप्रैल से नवंबर महीने के बीच ही दर्शन के लिए खुलता है। पत्थरों से बने कत्यूरी शैली से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण अभिमन्यु के पौत्र महाराजा जन्मेजय ने कराया था। बाद में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। सनातन संस्कृत में द्वादश ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजन की बड़ी ही महिमा है। हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ का भी दर्शन और पूजन का भी अत्यंत महत्व है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ ये दो प्रधान तीर्थ हैं। दोनों के दर्शनों का बड़ा ही महत्व है। केदारनाथ के संबंध में लिखा गया है कि जो केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है उसकी यात्रा निष्फल जाती है। मान्यता है कि केदारनाथ सहित नर नारायण मूर्ति के दर्शन से समस्त पापों का नाश होता है और मुक्ति का द्वार प्रशस्त होता है। केदारनाथ जी के तीर्थ पुरोहित इस क्षेत्र के प्राचीन ब्राह्मण हैं। उनके पूर्वज ऋषि मुनि भगवान नर नारायण के समय से इस स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की पूजा करते आ रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी के समय से यहाँ पर दक्षिण भारत से जंगम समुदाय के रावल और पुजारी मंदिर में शिवलिंग की पूजा करते हैं, जबकि यात्रियों की ओर से पूजा इन तीर्थ पुरोहित ब्राह्मणों द्वारा की जाती है। मंदिर के सामने पुरोहितों की अपने यजमानों एवं अन्य यात्रियों के लिए पक्की धर्मशालाएं हैं, जबकि मंदिर के पुजारी और अन्य कर्मचारियों के भवन मंदिर के दक्षिण की ओर हैं। ये मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। मंदिर को 3 भागों में बांटा जा सकता है, गर्भगृह, मध्य भाग और सभा मंडप। गर्भगृह के मध्य भाग में भगवान श्री केदारेश्वर जी का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थित है, जिसके अग्रभाग पर गणेश जी की आकृति और साथ ही माँ पार्वती का श्री यंत्र विद्यमान है। ज्योतिर्लिंग पर प्राकृतिक यज्ञोपवीत और ज्योतिर्लिंग के पृष्ठभाग पर प्राकृतिक स्फटिक माला को आसानी से देखा जा सकता है। श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग में 9 लिंगाकार विग्रह विद्यमान है। इस कारण इस ज्योतिर्लिंग को नवलिंग केदार भी कहा जाता है। स्थानीय लोकगीतों से भी इसकी पुष्टि होती है। श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर विशालकाय
चार स्तंभ विद्यमान हैं, जिनको चारों वेदों का प्रतीक माना जाता है, जिन पर विशालकाय कमलनुमा मंदिर की छत टिकी हुई है। ज्योतिर्लिंग के पश्चिमी ओर एक अखंड दीपक है जो कई हजारों सालों से निरंतर प्रकाशमान है, जिसकी देखरेख और निरंतर जलते रहने की जिम्मेदारी पूर्व काल से ही तीर्थ पुरोहितों की है। गर्भगृह की दीवारों पर सुंदर आकर्षक फूलों और कलाकृतियों को उकेर कर सजाया गया है। गर्भगृह में स्थित चारों विशाल काय खंभों के पीछे से स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान श्री केदारेश्वर जी की परिक्रमा की जाती है। पूर्व काल में श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर सुंदर कटवे पत्थरों से निर्मित जलेरी बनाई गई थी। श्री केदारनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। प्रातः काल में शिवपिंड को प्राकृतिक रूप से स्नान कराकर उस पर घी लेपन किया जाता है, तत्पश्चात धूप दीप जलाकर आरती उतारी जाती है। इस समय यात्रीगण मंदिर में प्रवेश कर पूजन कर सकते हैं, लेकिन संध्या के समय भगवान का श्रृंगार किया जाता है। उन्हें विविध प्रकार के चित्ताकर्षक ढंग से सजाया जाता है। भक्तगण दूर से ही केवल इसका दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के पृष्ठभाग में शंकराचार्य जी की समाधि है। केदारनाथ के निकट ही गांधी सरोवर और वासुकी ताल हैं। केदारनाथ पहुंचने के लिए रुद्रप्रयाग से गुप्त काशी होकर 20 किलोमीटर आगे गौरीकुंड तक मोटर मार्ग से और 14 किलोमीटर की यात्रा मध्यम और तीव्र ढाल से होकर गुजरने वाले पैदल मार्ग से करनी पड़ती है। मंदिर मंदाकिनी के घाट पर बना हुआ है। भीतर घोर अंधकार रहता है और दीपक के सहारे ही शंकर जी के दर्शन होते हैं। शिवलिंग स्वयंभू है। सम्मुख की ओर यात्री जल पुष्पादि चढ़ाते हैं और दूसरी ओर भगवान को घृत अर्पित कर बांह भरकर मिलते हैं। मूर्ति चार हाथ लंबी और डेढ़ हाथ मोटी है। मंदिर के जगमोहन में द्रौपदी सहित पांच पांडवों की विशाल मूर्तियां हैं। मंदिर के पीछे कई कुंड हैं जिनमें आचमन तथा तर्पण किया जा सकता है। केदारनाथ जी का मंदिर आम दर्शनार्थियों के लिए प्रातः 6 बजे खुलता है। दोपहर 3 से 5 बजे तक विशेष पूजा होती है और उसके बाद विश्राम के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। पुनः शाम 5 बजे जनता के दर्शन हेतु मंदिर खोला जाता है। भगवान शिव के 5 मुख वाली प्रतिमा का विधिवत श्रृंगार करके 7:30 बजे से 8:30 बजे तक नियमित आरती होती है। रात्रि 8:30 बजे केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर बंद कर दिया जाता है। शीतकाल में केदार घाटी बर्फ से ढक जाती है। हालांकि केदारनाथ मंदिर के खोलने और बंद करने का मुहूर्त निकाला जाता है, किंतु यह सामान्यतः नवंबर माह की 15 तारीख से पूर्व यानी वृश्चिक संक्रांति से 2 दिन पूर्व बंद हो जाता है और 6 महीने बाद अर्थात वैशाखी 13 या 14 अप्रैल के बाद कपाट खुलता है। ऐसी स्थिति में केदारनाथ की पंचमुखी प्रतिमा को ऊखी मठ में लाया जाता है। इस प्रतिमा की पूजा यहाँ भी रावल जी करते हैं। धर्म और संस्कृति से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल ग्रह गोचर।